2005 में एक फेमस डॉक्यूमेंट्री निकली थी जिसका नाम था द ग्रिजली मैन, जहां एक आदमी को ग्रिजली बियर जिंदा खा जाता है। जो टिमोथी ट्रेडवेल की थी, जिसने 13 समर्स काटमाई नेशनल पार्क अलास्का में कैंपिंग करके गुजारे, जहां उसको एक वाइल्ड बियर जिंदा खा गया। उसके पेरेंट्स का कहना था टिमोथी को बचपन से ही जानवरों के प्रति प्यार और बहुत इंटरेस्ट था, मगर ये प्यार ड्रग्स और अल्कोहल को ट्रांसफ़र हो गया और वो एक ड्रग एडिक्ट बन गया, जहां 1980 में वो एक हीरोइन ओवरडोज से मरते मरते बचा। इसके बाद उसका एक क्लोज फ्रेंड उसको अलास्का ले गया, जहां उसको ग्रिजली बियर्स की देखभाल करना था। उसका वो ग्रिजली बियर से पहला एनकाउंटर था। उसको फिर से जानवरों में इंटरेस्ट आने लगा, स्पेशली बियर्स में, और उसने अल्कोहल और ड्रग्स को लेना बंद कर दिया।